अभिवादन है दैत्यगुरु शुक्राचार्य। कालकूट का संकट टल गया, श्री शिव शंकर ने कृपा की और उसे अपने कंठ में रोक लिया। मैं जानता था इस संकट का निवारण केवल मेरे महादेव ही कर सकते हैं और वही करेंगे। जय भोलेनाथ। तो अपने शिष्यों को सागर तट पर चलने की आज्ञा दीजिए। रुका हुआ सागर मंथन पुनः आरंभ होना है। अवश्य देवराज, अवश्य। आप चलिए, मेरे शिष्य थोड़े समय में आपसे आ मिलेंगे। तो सागर तट पर पुनः भेंट होगी। गुरुदेव, क्या मैं पुनः जाना होगा? हाँ, ना केवल जाना होगा बल्कि सागर मंथन में भाग भी लेना होगा। अमृत कितना महत्वपूर्ण है ये केवल मैं जानता हूं। देवराज इंद्र की बात भूल गए तुम? संजीवनी मंत्र जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अमृत उतना ही मेरे लिए आवश्यक है। तुम सब तुरंत सागर तट पर पहुंचो। स्वर भानु, तुम मेरे शिष्यों के साथ जाओ और मेरे आदेश को ध्यान में रखकर उनकी हर क्रिया पर दृष्टि रखो। जो आज्ञा गुरुदेव। देवराज हम आ गए, मंथन आरंभ कीजिए। हम तो प्रस्तुत हैं कालकेतु, हमें केवल आपकी प्रतीक्षा थी। देवताओं, सागर मंथन का शुभारंभ कीजिए। ये तो एक नारी है।
हर्षल, इतनी सुंदर नारी कभी देखी थी पहले? नहीं दानवराज, ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा दिखाई पड़ती है। मूर्ख हो तुम, स्वर्ग की अप्सराएं तो इसके पांव की धूल के समान होंगी। तनिक इसका रूप तो देखो, मुख है कि पूनम की रात्रि का चंद्रमा, आंखें हैं या मद की कटोरी, कपोल है कि लाल कमल के पुष्प, अधरों की लालिमा उषा को लजा रही है, कंधों पर काले केशों की घटा लहरा रही है, मुस्कुराती है तो हृदय पर बिजली गिराती है, चलती है तो पुष्पों से भरी डाली लचक जाती है। हर्षल, इसने तो मेरा मन विचलित कर दिया है। तो फिर आप घोषणा कर दीजिए महाराज कि इस सुंदरी पर केवल आपका ही अधिकार होगा। इस सुंदर नारी पर हमारा अधिकार है देवराज। कदापि नहीं। क्यों? निर्णय तो यही हुआ था, मंथन से जो भी वस्तु निकलेगी वो देवताओं और दानवों में आदि आदि बांट दी जाएगी। हाँ, यही निर्णय हुआ था, किंतु ये वस्तु नहीं है, प्राणी है, नारी है, स्त्री है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। मैं कब कहता हूं कि इसका विभाजन किया जाए? मैं स्वयं इसे इसी रूप में प्राप्त करना चाहता हूं जिस रूप में दिखाई दे रही है। निर्णय बहुत सरल है देवराज, ये सुंदरी हमें दे दो, इसके उपरांत मंथन से जो भी निकलेगा वो तुम देवतागण ले लेना। दानवराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये केवल नारी और सुंदरी नहीं है, देवी है, और देवी केवल देवताओं की संगति में रह सकती है, दानवों की संगति में नहीं। तुम हट कर रहे हो देवराज। ये हट का नहीं, सिद्धांत का प्रश्न है। ये देवी तुम्हें नहीं दी जा सकती। तो फिर हम समझौते के अंत की घोषणा करते हैं देवराज। हम समझौता समाप्त नहीं करना चाहते, परंतु यदि यही एक मार्ग रह गया है तो हमें स्वीकार है। समझौते के अंत का दूसरा अर्थ समझते हो देवराज? समझौते का अंत युद्ध का आरंभ होता है। अब हमारी भेंट युद्ध क्षेत्र में होगी। आपकी इच्छा दानवराज, तुम हमें युद्ध के लिए तैयार पाओगे। कमलनयन, हे पद्मनाभ, कहाँ हैं आप? मुझ विरह की मारी पर कृपा कीजिए, मेरी आंखें आपके दर्शन को तरस रही हैं, मेरी आत्मा आपको पुकार रही है, दर्शन दीजिए भगवान। मेरी आत्मा की पुकार सुन लीजिए। महादेवी कमलनयन। आपने हमें पुकारा, हम आ गए आपके पास। कमलनयन, आपने मुझे अपनी भुजाओं में ग्रहण करते समय कहा था कि इस बार हमारा मिलन बहुत ही मधुर होगा। हाँ देवी, परंतु धरती पर मुझे आपसे दूर करने की चेष्टा की जा रही है, देवता और दानव मुझे आपसे छीनने के लिए तत्पर हैं, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हे कमलनयन, सागर से निकलते ही सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया था, आपसे क्षणिक वियोग भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता देवी, वियोग की घड़ियां भी आती हैं। तो कब बीतेंगी यह विरह की घड़ियां? मैं तो आप ही की हूं, आप ही के लिए बनी हूं, आपसे दूर रहने का विचार भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, इस बार आप मंथन में सागर पुत्री के रूप में जन्मी हैं,
इसलिए आप धरती के नियमों के अधीन हैं। मैं नियमों को तोड़ नहीं सकता देवी। धरती के सारे प्राणियों की भांति आपके भाग्य विधाता भी ब्रह्मा है। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये तो केवल वही बता सकते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मुझ पे ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, मुझे अपने नारायण से क्यों दूर किया जा रहा है। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, हे विधाता, मेरा जीवन कांटों की शैया बन गया है। विरह की अग्नि मेरे तन मन को फूंक रही है। हे विधाता, आप तो जानते ही हैं मेरा मन नारायण के चरण कमल में वास करता है, उनकी भुजा ही मेरा घर है, उनके सुंदर मुख को निहारना मेरी पूजा है। उनसे दूर बीता एक पल मेरे लिए युग के समान है, फिर मुझे उनसे दूर क्यों किया जा रहा है। सागर तट पर मेरे लिए युद्ध की घोषणा कर दी गई है। आपके लिए युद्ध की घोषणा? हाँ विधाता, मेरे लिए युद्ध घोषित किया गया है। देवता और दानव मेरे लिए झगड़ रहे हैं। देवता चाहते हैं कि मैं उनकी संगति में रहूं, और दानवों की इच्छा है मैं उनकी संपत्ति बन जाऊं। हे विधाता, आपने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया जो ये अत्याचार मुझ पर हो रहा है। हे देवी, अवश्य ही यह अत्याचार है, परंतु मैंने आप ही के लिए नहीं, हर नारी के लिए एक नियम बनाया है। वो नियम यह है कि नारी पर उसकी इच्छा जाने बिना कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। पर वे जमा रहे हैं अधिकार। वे भ्रम में हैं, वे मेरे नियम को तोड़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं, उनका भ्रम दूर करता हूं। देवताओं, ध्यान रहे कि समझौता तोड़ने की स्थिति तुमने बनाई थी, हमने नहीं। हम तो अब भी कहते हैं सागर मंथन से जन्मी सुंदरी हमें दे दो, हमारा समझौता बना रहेगा। ये संभव नहीं कालकेतु, हम तुम्हारी ये मांग नहीं मान सकते। इसके लिए यदि युद्ध होता है तो हमें कोई चिंता नहीं। चलो वीरो, आक्रमण करो। ठहरो, दोनों पक्ष इस नारी को प्राप्त करने के लिए झगड़ रहे हैं, पर किसी पक्ष ने इस नारी से यह पूछने का कष्ट किया कि स्वयं इसकी इच्छा क्या है? यह नारी की इच्छा का प्रश्न नहीं है ब्रह्मदेव, यह समझौते के सिद्धांत के आदर का प्रश्न है। नहीं, ये हर स्त्री के अधिकारों का प्रश्न है। अपने लिए किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी कर सकती है। स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे बांट लिया जाए। समुद्र मंथन से निकली ये नारी मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये सागर पुत्री किसे स्वीकार करेगी इसका अधिकार मैं इसी को देता हूं। आज मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। यह स्वयंवर की प्रथा होगी। स्वयंवर? स्वयंवर? हाँ, स्वयंवर, जो हर नारी का अधिकार होगा, अपनी इच्छा से अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी। यह पुष्पमाला इसकी मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर यह सागर पुत्री जिसके गले में यह माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया।
मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूं। हर्षल, मैं व्याकुल हो रहा हूं। क्यों दानवराज? न जाने ये चंद्रमुखी, ये मृग नयनी किसे चुनेगी? आपको ही चुनेगी दानवराज। ये तुम कैसे कह सकते हो हर्षल? है तो नारी ही दानवराज, और नारी केवल उसी को चुनती है जिसके पास शक्ति होती है, भुजाओं की शक्ति या धन की शक्ति, और ये दोनों ही शक्तियां आपके पास हैं। दानवराज, आपने देवताओं को परास्त किया है। नारी विजय का हाथ छोड़कर पराजय का हाथ कदापि नहीं थामती। आप विश्वास रखिए दानवराज, ये सुंदरी केवल आपको ही चुनेगी। बात स्वयंवर की सुनी, दानव हुए अधीर। जिसको चुन ले सुंदरी, परम धन्य वह वीर। दिव्य स्वयंवर की प्रथा भूल गया संसार, जिसने ना